नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, 1 अप्रैल से जैसे ही आपका नया सत्र शुरू होगा, तो नए सत्र में हमें समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार शिक्षण कार्य करना होगा। हमें मिशन प्रेरणा के तहत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर होना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स मिली होंगी। आपको आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका मिली है, सहज पुस्तिका मिली है, समृद्ध मॉड्यूल मिले हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को गणित किट मिली है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस गणित किट में क्या क्या सामग्री आपको मिली है और किस सामग्री का आपको क्या उपयोग करना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस किट में आपको क्या क्या मिला है। सबसे पहले इस तरह की किट आपको मिली होगी। देखिए, इसमें ऊपर भी नंबर्स पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से नंबर आपको पड़े हुए हैं। जब हम किट को खोलते हैं तो इसमें सबसे ऊपर हमें एक बुक मिलती है जिसका नाम है गणित अधिगम किट अध्यापक संदर्शिका। आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सब डिटेल इसमें दी हुई है। लेकिन गणित विषय थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए मुझे इसकी वीडियो बनानी होगी, जिससे कि कुछ शिक्षक साथियों को जिसको पता नहीं चल रहा है कैसे कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले नंबर पे मिलेंगी ठोस आकृतियां, जिनको वेलक्रो मॉडल भी कहते हैं। वेलक्रो मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि वेलक्रो से ढकी हुई आकृतियां हैं। वेलक्रो से मतलब है जो चिपकने वाली होती हैं, जिस तरह से आपका चिपक जाती हैं, जो इस तरह की इसमें वेलक्रो लगी होती है। इसमें 4 आपको घन मिलेंगे, 4 घनाभ मिलेंगे, 2 शंकु मिलेंगे, 4 बेलन मिलेंगे, 4 डिस्क मिलेंगे और 2 गोले मिलेंगे। इनसे आप आकृति बना सकते हैं। आकृतियों की समझ विकसित करना इनसे हम आसानी से सीख सकते हैं, एवं त्रिआयामी से द्विआयामी में परिवर्तन करना ये हमारे यूज किया जाएंगे। इनसे हम अलग अलग तरह की आकृति बना सकते हैं। इस तरह से इसमें वेलक्रो लगी हुई है, इनमें गोले में भी, सब चीज में वेलक्रो लगी हुई है, ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती हैं। मान लीजिए हमें कोई आकृति बनानी है, किसी कार्टून बनाना है, वो भी इससे आसानी से हम बना सकते हैं। तो ये पहली हमारी ये है। उसके बाद दूसरे टाइल्स, आपको कुछ टाइल्स मिली होंगी, 3 अलग अलग आकार की 3 रंग की टाइल्स आपको मिली है, जिनमें 48 आपके वर्ग हैं, 48 आपके वृत्त हैं, 48 आपके त्रिभुज हैं, 48 षटभुज हैं, 48 समचतुर्भुज हैं, 1 षटाकार ट्रे है और 1 वर्गाकार ट्रे है। ये आकृतियों स्थान टाइलीकरण और पैटर्न की समझ का विकास करने में आपके काम आएगी। देखिए, इस तरह की आपकी टाइल होंगी, ये छोटी वाली है, और षटाकार और वर्गाकार मैं आपको बाद में बता दूंगा। इस तरह की टाइल आपकी 3 अलग अलग कलर में आपको मिली होंगी। अगर आपको किट नहीं मिली तो जल्द ही आपको मिल जाएगी। उसके बाद नंबर 3 पे है स्टैंपिंग पात्र और स्टैंपिंग पैड। आपको स्टैंपिंग पात्र और स्टैंपिंग पैड मिले होंगे, त्रिआयामी खोखली आकृतियां और अनियमित आकृतियां, घना घनभाकार 2, बेलनाकार 1, प्रिज्म 1, अनियमित आकृतियां 3, लकड़ी का ब्लॉक 2, स्टाम्प पैड 2 रंगों में वो 1 मिला होगा। इससे आप क्या करेंगे, आकृतियों की समझ विकसित करना, त्रिआयामी से द्विआयामी आकृतियों में परिवर्तन, आयतन धारिता का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना, ये हमारे काम आएंगे। देखिए, इसमें पॉलिथिन में रखी हुई है, ये आपको नहीं नजर आएंगे क्योंकि फोटो सही से नहीं हुआ है, स्टाम्प पैड भी है इसमें। इस तरह की आकृति आपको मिली होगी। उसके बाद खेल मुद्रा, इसमें आपको 1 सेट खेल मुद्रा का मिला है, विभिन्न मूल्य की खेल मुद्रा का सेट आपको मिला है, जिसमें आपके 1 रुपए के 20 सिक्के हैं। ये सिक्के आपके खेल मुद्रा के रूप में है, रियल में सिक्के नहीं है, और 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 10 रुपए के 10 नोट हैं, 50 रुपए के 2 नोट हैं और 100 रुपए के 1 नोट है। जो आपको बच्चों को बताना है किस तरह से खेल मुद्रा के मुद्रा से का ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं। इसके साथ साथ स्थानीय मान व जोड़ और घटाव के लिए युक्तियों का विकास करना, ये सब आपके काम आएगा, इसमें आपके यूज होंगे। जब ये यूज होंगे तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा
किस तरह से मैथ को पढ़ाना है आपको, वो सब अब मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप देख लीजिए आपको क्या क्या सामान मिला है। तो ये खेल मुद्रा है, इसका फोटो भी साफ नहीं आया है क्योंकि मैं जूनियर में हूँ और प्राइमरी के शिक्षक इतनी आसानी से फोटो नहीं खिंचवाते उसका। बड़ी मुश्किल में मैंने उसको खोलकर उनके फोटो क्लिक किए, अलग अलग नहीं खोल पाया मैं उनको। नेक्स्ट है आपका डोमिनो संख्या कार्ड। इस तरह के आपके डोमिनो संख्या कार्ड होंगे, कुल 55 डोमिनो संख्या कार्ड है। डोमिनो संख्या कार्ड आयताकार होता है, प्रत्येक डोमिनो संख्या कार्ड अलग अलग रंग के दो वर्गाकार भागों में बटा होता है जिनके मध्य एक रेखा होती है। प्रत्येक भाग में एक सतह पर बिंदु बने होंगे और दूसरी सतह पर संगत संख्या लिखी होती है। ये आपके संख्याओं और उनके जोड़ तथ्यों 1 से 9 की समझ विकसित करने में आपके काम आएंगे। इस तरह के आपके कार्ड होंगे। उसके बाद नंबर 6 पे है संख्या कार्ड। ये आपको संख्या कार्ड मिले होंगे अलग अलग रंग के, 10 विभिन्न रंगों के संख्या कार्ड हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं को 10 विभिन्न रंगों में नियोजित करके ये बनाए गए हैं। संख्याओं की समझ विकसित करने में काम आएंगे, योग एवं घटा और संख्या पैटर्न की समझ का विकसित करने में ये आपके काम आएंगे। इस तरह के आपके संख्या कार्ड होंगे, देखिए इनको आप देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद ब्लॉक्स, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह के ब्लॉक्स आपको मिले होंगे 5 अलग अलग रंगों में। कुल 50 विचिन्न अलग अलग होने के कारण घनाकार ब्लॉक आपको मिले होंगे जो आपके संख्या और स्थानीय मान की समझ विकसित करने में काम आएंगे। देखिए इस तरह के ब्लॉक्स हैं आपके अलग अलग रंग के, ये आपके काम आएंगे स्थानीय मान की समझ विकसित करने में। उसके बाद पासे, आपको पासे मिले होंगे, कुल 4 पासे आपको मिले हैं 0 से 5 तक के, 5 से 10 नियमित बिंदु पासा, प्रत्येक एक एक और एक सक्रिय पासा जोड़ और घटाव के लिए। संख्या और संख्या संक्रियाओं जोड़ और घटा की समझ विकसित करने में आपके काम आएंगे। देखे इस तरह के पासे आपको मिले होंगे। उसके साथ साथ आपको स्थानीय मान कार्ड भी मिले होंगे, व्हाइट कलर के हैं ये स्थानीय मान कार्ड, कुछ छोटे हैं जिनपे 1 से 9 तक की संख्या लिखी हुई है, फिर उससे थोड़ा साइज में बड़े हैं जिनमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक लिखा हुआ है, और फिर उससे बड़े हैं 100, 200, 300, 900 तक हैं आपके ये, यानी इकाई और दहाई प्रत्येक के लिए 9 कार्ड हैं आपके ये। कार्ड का घुमावदार अंत उपयोग करने की दिशा के लिए डिजाइन किया गया है, तो इससे आपको स्थानीय मान की समझ विकसित करनी है। इसके साथ साथ आपको एक घड़ी भी मिली होगी, घड़ी जिसमें घंटा और सुई के बच्चों को घुमाकर समय का निरूपण कर सकते हैं, यानी कि आप घड़ी की घंटे की सुई घुमा देंगे बच्चे को समझा देंगे तो समय की समझ और घड़ी को पढ़ने की शुरुआत करना वो आप इससे सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक डोरी भी मिली होगी, ये डोरी आपकी 1 मीटर लंबी है जिसके सिरों को जोड़कर कई प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। इससे आप बच्चों को मापन की अवधारणा की शुरुआत करना सिखा देंगे और बच्चों को मानक इकाइयों की समझ बनाना सिखा देंगे। तो इस तरह से ये आपके वे 1 से 9 तक के हैं। ये आप मैंने आपको बताया था आयताकार आप ग्रीन कार्ड है, आयताकार और षटभुजाकार भी जो कार्ड आपके पहले रह गए थे वे हैं। इसके नीचे ही डोरी रखी हुई है, देखिए डोरी भी आपको चमक रही होगी, और ये आपकी घड़ी है। तो इस तरह से आपकी घड़ी भी दी हुई है, इसकी सुइयों को आप घुमाकर बच्चों को समय की समझ विकसित कर सकते हैं आसानी से। तो ये सब सामग्री आपको मिली हुई है, जैसे जैसे हम इन सामग्रियों का यूज़ करेंगे मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा डिटेल में किस तरह से हमें इनका यूज़ करना है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।